Good morning, all of you. Next chapter is definite integration. अब हम लोग तो विद्वान लोग हैं, साइंटिस्ट ने तो पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन निकाला था, फिर इनडेफिनेट, क्योंकि डेफिनेट की जरूरत पड़ी ना पहले वर्क डन और ये सब निकालने के लिए, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व के लिए. तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हेल्प्स मी टू गिव एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, हेल्प्स मी, शब्दों पे ध्यान देने वाली बात है, हेल्प्स मी टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. इट डज नॉट गिव मी एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इट हेल्प्स मी. इसकी हेल्प से हम लोग एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकाल सकते हैं. ये देता नहीं है, तो देता क्या है भाई? अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो थैंक्स टू फिजिक्स इतना तो हमें पता है, इफ अ फंक्शन कॉन्टिन्यूस इन ओपन ए टू बी, अगर कोई फंक्शन ओपन ए से बी में कंटिन्यूस है तो इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल्स टू स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रल हमने कैपिटल एफ एक्स प्लस सी माना था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जब हम पढ़ रहे थे. इस पर अब एक लिमिट लगानी पड़ती है ए टू बी, ठीक है. वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एट अपर लिमिट, तो सी का तो सी रहेगा, माइनस वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एट लोअर लिमिट, ये सी और सी कैंसिल, तो आंसर इज कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए, वेयर डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स प्लस सी इज स्मॉल एफ एक्स. इतना तो हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की वजह से भी जानते हैं कि इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर. कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अगर स्मॉल एफ एक्स मान रहा हूँ तो स्मॉल एफ एक्स के इंटीग्रेशन से कैपिटल एफ एक्स क्रिएट हो. इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में मेरा एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता था, बट जब मैंने लिमिट ऑपरेट करी, तो सी और सी कैंसिल हो गए. सो माई आंसर ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, दैट्स वाई द आंसर ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन विल ऑलवेज बी यूनिक. डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर हमेशा यूनिक होता. मुझे उम्मीद है कि शायद हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के जो वेरियस अलग अलग आंसर आते हैं वो ओनली विद द हेल्प ऑफ सी ही आते हैं. वहाँ सी है इसलिए मैं एक से ज़्यादा आंसर लिख सकता हूँ, बाकी आंसर एक से ज़्यादा होते नहीं है, आंसर होता एक ही है, लेकिन उस सी की हेल्प से हम लोग उसे इंटरचेंजेबल बना सकते हैं. कुछ याद आ रहा है क्या? ठीक. ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसे कैसे चीज़ें ले लेता हूँ अभी. अब इंटरप्रिटेशन कहाँ से आएगा मेरे पास? इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ज़बरदस्ती मैं भी अब उड़ता तीर ले लेता हूँ. इंटरप्रिटेशन की स्पेलिंग आती मैडम आपको? बता नहीं सकती थी फिर, हे कर ली गेली. बता, देखो बिना लिखे ये भी नहीं बता सकती, बोल के नहीं बता सकते हैं लोग, जब तक लिखेंगे नहीं ना कॉपी में तब तक याद ही नहीं आती, बिना देखे बोल कॉपी में. एक बार चुप रहो, यहाँ तक तो मैं लिख चुका, इसके आगे बोल. पी आर ए देख के टी ए की बात तो कोई बोल लेगा, सन की तो सबको पता है. सन में थोड़ी गलती होती है. पी आर ई इंटरप्रिटेशन, ये बता रही भाई मैडम इंटरप्रिटेशन, ये तुम भी बना सकता था. ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डी आई डेफिनेट इंटीग्रेशन, डी आई बोले तो डेफिनेट इंटीग्रेशन. ज्योमेट्रिकल ये क्या देता है डेफिनेट इंटीग्रेशन? लिखो, ज्योमेट्रिकली डी आई गिव्स द एल्जेब्रिक सम, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय, एल्जेब्रिक सम of the area bounded by f of x and x axis between x is equals to a and x is equals to b. ये एक बहुत ही खूबसूरत सा कर्व बनाया अपन ने,
ए से बी के बीच में, ये कुछ एरियाज हैं ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव। एलजेब्रिक सम मतलब होता है विथ साइन, ठीक है, एलजेब्रिक सम का मतलब होता है विथ साइन। तो एक साइन कन्वेंशन भी है डेफिनेट इंटीग्रेशन। मान लो ये एरिया फाइव है, ये एरिया फोर है, ये एरिया थ्री है, ये एरिया टू है और ये एरिया वन सपोज, ठीक है, साइन कन्वेंशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, साइन कन्वेंशन लिखिए, एरिया बाउंडेड अबव एक्स एक्सिस विल बी पॉजिटिव, एरिया बाउंडेड बिलो एक्स एक्सिस विल बी टेकन विथ नेगेटिव साइन। ध्यान दीजिएगा, इट्स एलजेब्रिक सम। एलजेब्रिक सम मतलब इट कम्स विद साइन। जो ऊपर एरिया बाउंड किया गया उन्हें प्लस साइन के साथ, और जो नीचे एरिया बाउंड किया गया उन्हें माइनस साइन के साथ। ये ए टू सेक्शन का एरिया कितना है, फोर है, माइनस फोर नहीं, एरिया तो फोर ही, एरिया थोड़ी नेगेटिव होता भाई। लेकिन जब डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालूंगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू मतलब जब मैं इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स करूंगा, यानी कि इस फंक्शन का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया नहीं बोल रहा, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालूंगा ए से बी में, तो दिस विल बी 5 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1, दिस विल बी इक्वल्स टू 3, दिस विल बी इक्वल्स टू 3। बट इफ एरिया वॉज आस्क्ड, समझना बात को, अगर क्या पूछा जाता, एरिया पूछा जाता, तो आंसर मॉड 5 प्लस मॉड माइनस 4 प्लस मॉड 3 प्लस मॉड माइनस 2 प्लस मॉड 1 इज इक्वल टू 15। अगर कोई एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ एंड एक्स एक्सिस पूछेगा, तब तो सम करोगे भाई सबका, सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी पड़ेगी। बात को समझना ढंग से, क्यों मैं कह रहा था डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया नहीं देता, डेफिनेट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल एरिया निकालने के लिए किया जा सकता है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन मेरे को फिजिक्स में तो एरिया दे देता था, फिजिक्स वाला मास्टर पागल बना रहा था कि नहीं, गेल से पे फिजिक्स में ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर था। जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाते थे तो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनाया था आपने, इसलिए आपको डेफिनेट इंटीग्रल एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ दे रहा था। किसी को मेरी बातें समझ में आई, नहीं आई? अगर मुझे सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी होती इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो 5 के बराबर आती, विच इज एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ। तो चमक रहा है, नहीं चमक रहा भाई? अगर सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ होगा तो डीआई और एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ की वैल्यू सेम होगी, ठीक है, क्लियर है? अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर भी है और नीचे भी है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया निकाल सकता हूं, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया नहीं देता, क्लियर है? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन एरियाज का एल्जेब्रिक सम है, एल्जेब्रिक सम मतलब विद साइन, एंड द साइन कन्वेंशन इज दिस, क्लियर? क्लियर, ठीक।